तो कब्ज बस इतना है, आप हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दक्षिण भारत में हमें एक चमत्कार मिल गया, यह आपकी आहार नली को साफ रखेगा। साफ मलाशय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप फास्ट फूड जॉइंट या सुपरमार्केट से लिया हुआ खाना खा रहे हैं, आप आमतौर पर बहुत कम पानी की मात्रा वाला खाना खा रहे होंगे। अगर मांसाहारी खाना है तो भी दिक्कत है, क्योंकि यह सिस्टम में बहुत धीरे आगे बढ़ता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर आप कोई सब्जी खाते हैं तो इसमें आमतौर पर 70% से ज्यादा पानी होता है। फलों में 90% से ज्यादा पानी होता है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, फल, मेवे, अंकुरित चीजें अपने खाने में लाएं, तो पेट साफ होने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप बहुत सूखा खाना खा रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, फल, मेवे, अंकुरित चीजें अपने खाने में लाएं, तो इस परेशानी का हल अपने आप हो जाएगा। तो कब्ज बस इतना है, आप हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अगर आपके खाने में पर्याप्त अंतर हो एक खाने से दूसरे के बीच में, आपको कब्ज नहीं होगी। अगर आप हर समय खा रहे हैं तो ये एक समस्या है। आमतौर पर परंपरागत रूप से पहला निवाला घी का होता था। घी एक लुब्रिकेंट है जो आहार नली को चिकना कर देता है। ये पहली चीज है जो आपको खानी चाहिए, जिससे कि यह खाने का रास्ता आसान बना दे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप घी और कार्बोहाइड्रेट साथ में लेते हैं, घी और चीनी साथ में लेते हैं, तो यह फैट बन जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ घी लेते हैं या शुरुआत में खाने के छोटे से निवाले के साथ घी लेते हैं, तो यह लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो जो घी का इस्तेमाल सही तरीके से करता है, उसका मलाशय हमेशा साफ रहता है, क्योंकि वहां कुछ चिपकता नहीं है, वहां कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। योग सेंटर में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की छोटी गोलियों के साथ होती है। आपके सिस्टम में यह क्या असर डालती है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। Of what impact it has on your system. So one immediate thing it will do is, it will keep your alimentary tract clean. एक चीज ये तुरंत करती है कि ये आपकी आहार नली को साफ रखेगी। जब हम साफ कहते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ दूसरे जीव बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो इस आहार नली में बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं। इनमें से बहुत सारे हमारे लिए फायदेमंद हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं, हम उनकी वजह से खाना पचा पाते हैं। शरीर के भीतर बहुत सारी चीजें उनकी वजह से होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। नीम की खासियत है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दोनों चीजें साथ में हों, तो ज्यादातर वो चीजें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जो चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह का परजीवी, ये सभी चीजें दूर हो जाती हैं। साफ मलाशय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दूध से बनी चीजों में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल आजकल कपड़ा चिपकाने वाले पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ पानी में घुल नहीं पाते। तो जब आप बहुत सी दूध से बनी चीजें खाते हैं, यह आपके मलाशय में जाकर चिपक जाता है। तो जो मल आसानी से सिस्टम के बाहर निकल जाना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलता। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ये तीन चमत्कारी फल हैं। इनको सही तरीके से मिलाकर त्रिफला बनता है।
अगर आप इसे थोड़े से पानी या एक चम्मच दूध या किसी भी तरह से लेते हैं या शहद के साथ भी लेते हैं तो सिस्टम की सफाई हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो हमने दक्षिण भारत में एक चमत्कार ढूंढा है, इसे अरंडी का तेल कहते हैं। बस थोड़ा सा, आधा चम्मच अरंडी का तेल हर रोज रात में गर्म करके पानी या दूध में डालिए और पी जाइए। आप देखेंगे कि आपका मलाशय साफ रहेगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं, आजकल डॉक्टर्स ये मान रहे हैं आपके दिमाग में जो हो रहा है और नीचे जो हो रहा है ये एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने योग में हमेशा ये बताया है, अगर आप अपने विचारों और भावनाओं में कब्ज ग्रस्त हैं तो आपको सहज रूप से नीचे भी कब्ज हो जाएगा। आप ये जानते हैं? देखिए किस तरह आपका दिमाग और दूसरे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप यहां पर जो भी करते हैं स्वाभाविक रूप से ये आपके जीवन की बुनियाद पर असर डालता है, मूलाधार पर असर पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में बेकार की चीजें चल रही हैं। अगर आप डर जाते हैं तो या तो आपको दस्त लग जाएंगी या कब्ज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं डर के मारे पैंट गीली होना। या तो ये गलत समय पर निकल रहा है या फिर ये इकट्ठा हो रहा है। जो भी हो, आपका पेट खराब है। दोनों तरीके से आपके दिमाग में जो हो रहा है और नीचे जो हो रहा है ये एक दूसरे से जुड़े हैं।